नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र गिरे में। तो आशा करता हूँ आप सभी संपन्न और समृद्ध होंगे। आप सभी जानते हैं आज के युग में जो व्यक्ति किसी को पसंद करता है और अगर उससे शादी करना चाहता है और वो बात अगर दुनिया वालों को पता चल जाए तो वो उन दोनों का प्यार आगे नहीं बढ़ पाता और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी तरह से शादीशुदा लोग पति पत्नी उनके आपसी प्रेम और व्यवहार को देख के कुछ लोग ईर्ष्यावश, या तो वो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं या कोई अड़ोस पड़ोस या फिर कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और वो लोग उस चीज को पसंद नहीं करते, उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं और उस कारण से कोई भी काली विद्या या नकारात्मक शक्ति टोना टोटका कुछ भी ऐसा तंत्र मंत्र करवा देते हैं कि उन दोनों की हस्ती खेस्ती जिंदगी बर्बादी के रास्ते चली जाती है। इसी तरह प्रेमी प्रेमिका किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे से अलग चले जाते हैं, या फिर आपका कोई बहुत ही पसंदीदा पात्र है और उससे आप शादी करना चाहते हैं, आप उसको अपनाना चाहते हैं और ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका ये जो प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व हो जाएगी। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मेरी चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। किसी भी जरूरतमंद को अगर काम लगेगी और उसका भला होगा तो उसका कुछ पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों मंगलवार मंगल ग्रह का और हनुमान जी के आविर्भाव का दिन माना जाता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो किसी पे खुश हो जाए उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाते हैं। दूसरा मंगल भूमि पुत्र है दोस्तों और भूमि से ही गुण पैदा होता है, गुण मंगल को बहुत प्रिय है, गुण सूर्य देव को भी बहुत प्रिय है दोस्तों, गुण हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है और ये गुण आप अगर अपने खाने में इसका उपयोग करते हैं तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से भी इसके बहुत सारे गुण हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं को दोस्तों गुड़ का भोग लगता है, तो मंगलवार के दिन आपको ये क्रिया करनी है। तो छोटा सा आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, लगभग 25 ग्राम वजन जैसा इतना बड़ा होना चाहिए, जिस पे आप जिसे चाहते उसका नाम। ये क्रिया महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। आपका जो भी प्रिय पात्र है किसी भी लकड़ी से या कील से उस गुड़ की डली पे आप उस व्यक्ति का नाम लिख दें, सिर्फ नाम लिखना है, और उस गुड़ के साथ आप दो साबुत फूल वाली लौंग ले लें। लौंग भी तंत्र मंत्र में पूजा पाठ में देवी देवताओं पे
चढ़ने में सभी जगह लौंग का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। लौंग पे कई तरह के तंत्र मंत्र होते हैं दोस्तों। लौंग आपके रसोई घर में, आपकी रसोई में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और ये लौंग किसी भी देवी देवता को खुश करने के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपको साबुत फूल वाली दो लौंग ले लेनी है। बस गुड़ की डली पे आपको अगर कोई पुरुष कर रहा है और वो चाहता है किसी महिला का नाम लिख दे, या फिर आप जिसको भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, आप उसका नाम लिख दें उस गुड़ की डली पे। और दो लौंग आपको लेके चले जाना है किसी निर्जन स्थान में। मंगलवार का पूरा दिन आपके लिए इस कार्य के लिए उपलब्ध है दोस्तों। दोपहर के समय का 12 से 1 बजे के बीच में ना करें तो अच्छा होगा। बाकी किसी भी समय आप इस क्रिया को कर सकते हैं। निर्जन स्थान जहां लोगों का आना जाना कम हो और कच्ची जमीन देख लें, वहां एक गड्ढा खोद के आप इस गुड़ की डली को पहले रख दें गड्ढे में, उसके ऊपर ये दो लौंग रख दें। और जिस व्यक्ति को जिसका भी आपने नाम लिखा है उसी जगह खड़े रह के 7 बार उस व्यक्ति का नाम बोले उच्चारण के साथ। और बस उसके बाद आपको उस गुड़ को मिट्टी में दबा देना है। गुड़ दोस्तों थोड़ा खड्डा गहरा खोदना, क्योंकि आप दबा के आए और कुत्ते उसको निकाल ना ले या कोई जानवर ना निकाल ले, उसको व्यवस्थित जमीन में दबा देना है। बस आप अपने घर आ जाइए। वो व्यक्ति दुनिया में चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे वो कुछ भी सोच रहा हो, उसकी सोच आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगी। और 10 मिनट तब लगेंगे दोस्तों, वो आपके बिना नहीं रह पाएगा। वो किसी भी तरह कुछ भी करके कोई भी प्रयत्न से वो आपके पास 100% आ जाएगा। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करेगा, शादी शुदा है तो आपकी हर बात मानेगा और आपके बिना वो जीने का सपना नहीं देख सकते। आप जो भी बोलेंगे वो हर बात मानेगा जिंदगी भर, और हमेशा हमेशा के लिए वो आपका होकर रहेगा, कभी वो आपका विरोध नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और करने के लायक है। इसको समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।